हेलो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप से इंडिया में दो प्रोडक्ट लॉन्च हो चुके हैं। टोयोटा ने पहला प्रोडक्ट हैचबैक कार सेगमेंट में टोयोटा ग्लैमवर को लॉन्च किया है और कॉम्पैक्ट एसयूवी कार सेगमेंट में अभी रिसेंट ही में टोयोटा ने अपनी अर्बन क्रूजर को लॉन्च कर दिया, जिसे मिनी फॉर्च्यूनर और मारुति की विटारा वरिवा का हम शक्ल कहा जा रहा है। और भी कुछ बड़े मीडिया सोर्सेज की माने, जैसे कि ऑटो कार इंडिया, गाड़ी बाड़ी, इनके मुताबिक अभी टोयोटा और मारुति की मिलकर आर्टिका का भी राइवल इंडियन ऑटो मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। ऑटो कार इंडिया पर छपी एक आर्टिकल के मुताबिक टोयोटा और मारुति की पार्टनरशिप का अगला प्रोडक्ट इंडिया में मारुति की आर्टिका हो सकती है। टोयोटा की तरफ से आने वाली ये नई 7 सीटर MPV कार इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक काफ़ी अच्छा और बजट कार का ऑप्शन होगा। और इंडिया में लॉन्च होने के बाद ये कार मारुति की आर्टिका, XL6 और महिंद्रा मरावो को कॉम्पिटिशन देने वाली है। टोयोटा भी इस MPV कार में कुछ कॉस्मेटिक अपग्रेड करके और इंटीरियर में कुछ मॉडिफिकेशन करके इसे आर्टिका से बेहतर बना के इंडिया में लॉन्च करेगी। अभी हाल फिलहाल टोयोटा ने इस कार के नाम के बारे में कुछ भी ऑफिशियल जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जल्द ही टोयोटा इस कार के नाम का भी खुलासा कर देगी। टोयोटा की इस MPV कार टोयोटा आर्टिका के ओवरऑल चेंजेस की बात करें तो गाड़ी में दोस्तों आपको कुछ बड़े चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेंगे। कार का प्लेटफॉर्म और डिजाइन एंड लुक आर्टिका की तरह ही आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, लेकिन टोयोटा इस कार के एक्सटीरियर में कुछ मॉडिफिकेशन कर रखती है। जैसे कि कार के फ्रंट में इस कार के फ्रंट ग्रिल को अपग्रेड करके टोयोटा अपनी तरफ से इस गाड़ी पर अलग से ग्रिल दे सकती है और इस कार पर टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो उन लोगों के लिए ये कार काफ़ी अच्छी रहेगी जो कि अपनी गाड़ी पर मारुति का लोगो पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए टोयोटा की ये कार काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगी। और वहीं कार के फ्रंट में आपको इस कार के फॉग लैंप पर भी कुछ टोयोटा अर्बन क्रूजर की तरह ही अलग से होफिंग देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ये कार आर्टिका से थोड़ा प्रीमियम अपील देगी। बाकी कार के साइड में आपको सेमी अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, लेकिन टोयोटा इसके अलॉय व्हील्स को अर्बन क्रूजर की तरह मॉडिफाई करके इंडिया में लॉन्च कर सकती है। बाकी कार की रियर प्रोफाइल भी लगभग सेम ही रहेगी। इंटीरियर की तरफ चलें तो कार के इंटीरियर में ओवरऑल इंटीरियर आपको जैसे कि अर्बन क्रूजर और विटारा वरिवा की तरह है, मतलब सेम है, तो उसी तरह से आर्टिका में भी रिटेन रहने वाला है। लेकिन कार के इंटीरियर में आपको स्टीयरिंग व्हील पर टोयोटा का लोगो देखने को मिलेगा और बाकी कार के सीटिंग लेआउट को थोड़ा सा चेंज किया जा सकता है, जैसे कि इस कार पर आपको अलग कलर की फैब्रिक सीट्स देखने को मिल सकती हैं। बाकी गाड़ी का इंटीरियर भी सेम ही रहने वाला है। कार के इंटीरियर में आपको टच स्क्रीन टर्न सिस्टम विद कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीफंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप जैसे फीचर्स मिलेंगे जो कि इस कार के मेन हाईलाइट होंगे। टोयोटा की अपकमिंग 7 सीटर कार में आपको इंजन भी आर्टिका से ही लिया जाने वाला है। इस कार में आपको विटारा वरिवा और आर्टिका के जैसा ही इंजन देखने को मिलेगा, जो कि मारुति की तरफ से इंडिया में मारुति का सबसे बड़ा इंजन है, 1.5 लीटर का BS6 पेट्रोल इंजन। ये इंजन 103 BHP की मैक्सिमम पावर और 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और कार का ये इंजन 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 4-स्पीड ऑटोमेटिक टर्बो कन्वर्टर ऑप्शन में अवेलेबल है। हालांकि दोस्तों टोयोटा की इस MPV में आपको कंपनी फिटेड CNG किट का ऑप्शन मिलेगा या नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको इस कार में माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन मेरे हिसाब से ज़रूर देखने को मिल सकता है। बाकी डायमेंशंस और इंटीरियर में स्पेस की बात करें तो टोयोटा की इस MPV में आपको डायमेंशंस आर्टिका के जैसे ही मिलेंगे, मतलब कि इंटीरियर में स्पेस भी आर्टिका के जैसा ही रहेगा। बात करें कीमत की तो इस कार की कीमत आर्टिका से थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन टोयोटा इस कीमत में आपको थोड़ी एडिशनल वारंटी ऑफर कर सकती है, जो कि आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। और आपको साथ ही साथ टोयोटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी और टोयोटा की तरफ से कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या दोस्तों आपको भी टोयोटा की इस अपकमिंग MPV आर्टिका का इंडिया में इंतजार रहेगा? कमेंट करके बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।